खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ज़रूरी है और इस बात की ज़रूरत है हमें कि हम उसके सही मतलब को, उसके ओरिजिन को समझें, ताकि हम उसे पूरा करते हुए उसे सही तौर से पूरा कर सके। वो लफ्ज़ है पाकीज़गी, होलीनेस। आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास हमने पाकीज़गी के मयार को बदल दिया है। पाकीज़गी वैसी नहीं रही जैसी खुदा चाहता है और हम अपनी कमज़ोरियों की वजह से नापाक चीज़ों को पाकीज़गी में शामिल करके ये सोचते हैं कि ये पाकीज़गी है। लेकिन कलाम में खुदा ने एक चीज़ हमें बताई है अपने कलाम में। कलाम में लिखा है पहला पत्रस, उसका पहला बाप, उसकी 16वीं आयत में कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। 1 Peter 1:16 it says, Be ye holy, for I am holy। और पाकीज़गी का जो हुक्म है, जो इंस्ट्रक्शन है कि हम पाक बने, पाकीज़गी की जो रिक्वायरमेंट है वो खुदा की तरफ से है। खुदा ने कहा है कि तुम पाक बनो, पाक हो, और खुदा चाहता है कि हम पाक हों, पाक बने, पाकीज़गी हमारे अंदर हो और हम पाकीज़गी में हों। ये इस तरह है कि यहाँ लिखा है पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। बी ये होली फॉर आई एम होली। तो खुदा ये कहता है कि पाक बनो, बी ये होली। हमें पाक बनना है लेकिन खुदा पाक है। और कलाम में ये जो आयत लिखी है कि पाक बनो, पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं, तो मैं आज तक सिर्फ इतना ही सोच सका कि क्योंकि खुदा पाक है इसलिए वो चाहता है कि मैं भी पाक बनूं। लेकिन ये कलाम, ये आयत, ये खुदा की बात मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी है, मेरे अंदाज़ा से कहीं ज़्यादा गहरी है। और अगर हम इस पर ध्यान देते रहें, इस पर मेडिटेट करते रहें, इसके बारे में पढ़ते रहें, इसको पढ़ते रहें और खुदा से उसकी मदद मांगें, उसकी हिकमत दानाई मांगें, तो बेशक वो और ज़्यादा हमें समझाने पर कादिर है, हमारी ज़रूरत के मुआफिक और अपनी मर्ज़ी के मुआफिक। तो यहाँ यूँ लिखा है कि पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूँ। अब ये ऐसे है कि खुदा ने कहा कि पाक बनो, पाक हो, लेकिन पाकीज़गी ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं जानते थे। बेशक खुदा ने हमें पाक बनाया था आदम को, उसके बाद आदम ने गुनाह किया और तब से गुनाह हर इंसान में मौजूद है पैदा होते हुए ही। दाऊद लिखता है कि मुझे गुनाह की हालत में जन्म दिया गया। तो पाकीज़गी से तो हम वाकिफ नहीं हैं। और इस बात का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम पहचानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते कि पाकीज़गी है क्या, पाकीज़गी का ओरिजिन क्या है, पाकीज़गी सही मानों में क्या चीज़ है, क्या हालत है। और इसलिए हम अपनी कमज़ोरी के मुआफिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें कलाम में से ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी कमज़ोरी में से ले लेते हैं और उससे मिलाकर अपनी बनाई हुई, अपनी
ढाली हुई पाकीज़गी बना लेते हैं, पाकीज़गी का एक मेयार बना लेते हैं जो खुदा के कलाम के, इल्हाम के, उसकी मर्जी के और उसकी पाकीज़गी के मुआफिक नहीं है। तो खुदावंद ये कहता है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। तो पाकीज़गी का ओरिजिन क्या है और पाकीज़गी का कमांडमेंट क्या है, वो दोनों हमें इसी आयत में मिल जाते हैं। पहले तो खुदावंद कहता है कि पाक बनो और फिर वो बताता है कि पाकीज़गी है क्या चीज। खुदावंद कहता है पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं, यानी तुम पाक बनो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पाकीज़गी है क्या चीज, पाकीज़गी किसे कहते हैं, पाकीज़गी होती क्या है। और आगे खुदावंद कहता है कि इसलिए कि मैं पाक हूं, तो खुदावंद पाक है और हमें पाक बनने का हुक्म दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें खुदावंद की तरह बनना है, यानी जो सोच उसकी है वही सोच हमारी होनी चाहिए, जो ख्याल उसके हैं वही ख्याल हमारे होने चाहिए, जो मर्जी उसकी है वही मर्जी हमारी भी होनी चाहिए। और अगर जरा सा हम उसकी सोच से दूर हो जाते हैं, उसके ख्याल से, उसकी मर्जी से, उसके इरादा से दूर हो जाते हैं, तो फिर जिसे हम पाकीज़गी कहते हैं वो पाकीज़गी खुदा की पाकीज़गी नहीं है, वो पाकीज़गी वो नहीं है जिसके बारे में वो कहता है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। वो पाकीज़गी फिर एक सब्स्टिट्यूट है, एक ऑल्टरनेटिव है जो हमने खुद अपनी कमजोरियों को जहन में रखते हुए ढाल लिया है, बना लिया है। और यही आज हम दुनिया में देखते हैं कि पाकीज़गी का मयार हमने बदल दिया है, लेकिन पाकीज़गी का ओरिजिन, पाकीज़गी की लोकेशन, पाकीज़गी की असलियत के पाकीज़गी है क्या, वो तो हमें कलाम में यही पता चलता है कि खुदावंद कहता है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं, और इसलिए कि वो पाक है इसीलिए हमें पाक बनना है। और पाक बनना कैसे है, जैसा वो पाक है। बेशक हम इंसान हैं, बेशक हम कमजोर हैं, लेकिन कब हम खुदा की फरमा बरदारी करना शुरू करेंगे और कब हम उसके कलाम को सही मानों में समझ कर उस पर अमल करना शुरू करेंगे, कब हम खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे पूरा करना शुरू करेंगे, कब हम कोशिश करेंगे कि हम खुदा की मानिंद बन सकें, क्योंकि अब ऐसा नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, हमारा कफारा अदा किया और हमें एक्सेस दे दिया, हमारी रसाई हो गई बाप तक, और हमें ये हक बख्शा कि हम खुदा के फर्जंद हो सकें। और फर्जंद इसीलिए कहा गया है क्योंकि फर्जंद बाप की तरह होते हैं। कलाम में यही लिखा है कि उसने हमें नौकर नहीं कहा बल्कि फर्जंद कहा है, क्योंकि नौकर मालिक की तरह नहीं होते, नौकर की आदत मालिक की तरह नहीं होती, नौकर की हैसियत, नौकर का रुतबा, नौकर का कैरेक्टर मालिक की तरह नहीं होता, लेकिन बच्चों का कैरेक्टर बाप की तरह होता है। इसलिए उसने हमें बच्चे कहा है, और क्योंकि वो पाक है इसलिए हमें भी पाक बनना है, और कैसा पाक बनना है, जैसा वो पाक है। आए हम दुआ करें। रहम और प्यार से भरे हुए जलाली आसमानी बाप, हम तेरी हम्द, तेरी ताजीम, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू अजीम खुदा है, तू पोशीदा ऐबों को देखने वाला है, तू ख्वाबगाह की छानबीन करने पर कादिर है। हम इल्तजा करते हैं कि हमारी सोचों ख्यालों की छानबीन कर, हमारी सोचों की नापाकियों को दूर कर, हमारे ख्यालों की, इरादों की गंदगी को दूर कर, ताकि हमारे ख्याल तेरे ख्याल की तरह हो जाए,
हमारी मर्जी तेरी मर्जी की तरह हो जाए, हमारी सोच तेरी सोच की तरह हो जाए। और खुदा बाप हम अपनी सोच से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि तेरी सोच से और तेरी मर्जी से चलने वाले हों, तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे इरादा के मुताबिक चलने वाले हों, सोचने वाले हों, अमल करने वाले हों। बाप आज के दिन तक हमने जितनी नापाकियां अपने अंदर रखी हैं, अपने अंदर से जनरेट की हैं, ओरिजिनेट की हैं, हम उनके लिए माफ़ी मांगते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हम पर इस मुकाशफा को खोला है कि पाकीज़गी का मयार वही है जो तुझसे आता है। तो खुदावंद हमें तौफीक दे, हम पर फजल कर, और हमें तौफीक दे कि हम तेरे फजल को इस्तेमाल करके पाकीज़गी में चल सकें, उस पाकीज़गी में जो तुझसे आती है। तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो, मैं हर तरह से घटूं और तू हर तरह से बढ़ता जाए। सारा इज्जत और जलाल हम तेरे यहोवा नाम को, तेरे बेटे यीशु के नाम को और तेरे पाकरू को देते हैं। और बाप तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद आप सब